दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में वीडियो नंबर 1 और 2 जहाँ हमने वर्त के बारे में पढ़ा। 2 नंबर वीडियो में लास्ट में कुछ सवाल देखे गया था, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, सर्किल उसमें लागू करेंगे विविध में। अभी सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सर्किल को ट्रायंगल के साथ ऐड करके, स्क्वायर के साथ ऐड करके सवाल पूछने वाले हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था कि मैं पहले बेसिक सारी बातें बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूंगा। यही यहाँ भी आज हम करने वाले हैं। क्षेत्रमिति में वर्त का बेसिक कंप्लीट होने के बाद में आज पढ़ने वाले हैं हम वर्ग। वर्ग देखिए बेटा, वर्ग में क्या हम पढ़ने वाले हैं, बेसिक जानकारियां अगर हम रखें तो वर्ग जो है उस वर्ग में ये जो आकृति है ये वर्ग की आकृति। अब क्या होता है वर्ग में, पूरी बात बता देता हूं पहले आपको। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ये चारों भुजाएं बराबर बराबर होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वर्ग ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो पहली तो चारों भुजाएं बराबर, पहली बात है कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होती है। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं ये, तो मैं दूसरी बात आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी आकृति होती है जिसके चारों कोण बराबर होते हैं। चारों कोण बराबर, एक ऐसी आकृति होती है जिसके चारों कोण बराबर बराबर होते हैं। फिर हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, देखिए ये जो आपके लिए ले रहे हैं ये होता है विकिरण। विकिरण, और जो विकिरण है, इस विकिरण की अगर हम बात करें तो विकिरण क्या होता है, तो ये कहेंगे विकिरण, विकिरण वर्ग को बराबर 2 भागों में बांटता है। विकिरण वर्ग को बराबर 2 भागों में बांटता है। अब आप कहेंगे कि सर एक विकिरण ये भी खींच दिया तो वर्ग के दोनों विकिरण इसको बराबर बराबर कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटते हैं। फिर आगे चलते हैं तो आगे देखिए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, विकिरण एक विकिरण वर्ग को 2 भागों में बांटता है, दोनों विकिरण बराबर 4 भागों में बांटते हैं। फिर और इसमें देखिए, 4 बराबर भागों में बांटते हैं, साथ ही साथ आप यहां भी देख सकते हैं कि इसके जो चारों कोण होते हैं ना बराबर होते हैं, और कितने थे डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के चारों कोण होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये पूरा का पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो इसका आधा लेके गए, आधा लेके गए तो कितनी डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ। इसका मतलब विकिरण जो लेगा ये कितने डिग्री एंगल पर लेगा, 45 डिग्री के एंगल पर लेता है। फिर और देखिए काम की बात, इसमें इसको मिटा देता हूं, इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं तो देखिए, ये जो वर्ग है, वर्ग, इस वर्ग में देखिए ये 90 डिग्री का है, अगर यहां से लिया तो ये 45 डिग्री हुआ। अगर 45 डिग्री हुआ इसका मतलब पूरे कोण को बराबर भागों में बांटा है, इसका मतलब इसको भी बराबर भागों में बांटेगा। तो काम की बात समझो कि दोनों विकिरण एक दूसरे के बराबर बराबर, ये और ये विकिरण बराबर बराबर होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, इधर से इधर से ये चारों पार बात बराबर होती है। अच्छा, अगर चारों बात बराबर हुई तो दूसरी बात ये भी देखो कि यहाँ ये जो कोण है ये कितने डिग्री का बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि विकिरण
बराबर होते हैं, विकिरण बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसके दोनों विकिरण बराबर होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। फिर आगे की बात और देखिए, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, तो देखो 90 डिग्री यहां तक चली। एक चीज और ध्यान से देखिए, जो ये विकिरण होता है ना, आप देखा ये, आप कह सकते हैं कि सर ये पूरा कोण 90 डिग्री का था, तो इसका मतलब विकिरण है ये पाइथागोरस प्रमेय देखे और उसमें ये क्या हो जाता है, करण भी हो जाता है। इसका मतलब विकिरण ज्ञात करना भी हम सीखेंगे। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और काम की बात यहां पर हम बता देते हैं कि ये जो वर्ग है ये एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, वैसे ज्योमेट्री में आपको पढ़ना चाहिए, ये मैं यहां लिख देता हूं और इसमें ये ऐसे कोई भी एक बिंदु ऐसे ले लिया, जरूरी नहीं कि विकिरण पे ले, कहीं पर भी एक बिंदु ले लिया जिसका नाम दे दिया O, तो मैं इसमें कहूंगा कि ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर होता है डी ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये भी आप दिमाग में रखना कि इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है कि ए ओ डी ओ बी और सी एस दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर का योगफल, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का योगफल हमेशा बराबर होता है। होता कैसे है ये मैं आगे जरूर प्रूफ करूंगा, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो फिर आगे चलने पर हमें देखने को मिलेगा कि ये जो एक वर्ग है ये इस वर्ग का परिमाप, सबसे पहले वर्ग का परिमाप, परिमाप की बात करें तो आप देखो ए है, बी है, सी है और डी है। क्लियर? तो परिमाप क्या है, तो आप देखेंगे ये 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 और ये चारों बात बराबर बराबर परिमाप कहलाता है। ये क्या है तो आप कहेंगे सर इसको तो भुजा बोलते हैं, फिर ये क्या है ये भी बुझाइए, ये क्या है ये भी बुझाइए, ये क्या है ये भी बुझाइए। इसका मतलब, परिमाप का मतलब होता है कि जो आकृति घिरी हुई होती है उसके चारों ओर की दूरी, तो परिमाप का मतलब होता है चार गुणा भुजा स्क्वायर, तो चार गुणा भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का परिमाप। फिर आ गया, जो दूसरी बात हमें पूछ लेता है कि इसी वर्ग का बताओ भाई साहब क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोई भी वर्गाकार आयताकार आकृति आए जिसमें लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें देखो लंबाई क्या है भुजा, चौड़ाई भी क्या है भुजा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई तो क्या है इसकी भुजा और चौड़ाई भी क्या है भुजा, तो ये हो जाएगा भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं भुजा स्क्वायर। क्लियर? अगर भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल है, और आगे की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में ये आता है ये, तो ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर ये विकिरण कहलाएगा। अब विकिरण क्या होता है तो पाइथागोरस प्रमेय पता है, पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा था कि करण का स्क्वायर, जैसे वहां पढ़ा हुआ है कि करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहां विकिरण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो दो गुणा भुजा स्क्वायर, ये हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम लिखेंगे रूट दो गुणा भुजा, ये कैंसिल होगा तो ये कट ही जाएगा ऊपर से। समझ में आ गया? फिर चलो आगे, एक काम की बात यहां से और हम कर लेते हैं कि मान लो एग्जाम में ये और पूछ ले कि ये वर्ग का विकिरण है और इस विकिरण के ऊपर कोई वर्ग बना दिया, अब बताओ
इस विकिरण के ऊपर बना दिया तो इसका मान क्या था? तो आप कहेंगे सर रूट दो गुणा बुझा था। अगर ये रूट दो गुणा बुझा है तो ये भी रूट दो गुणा बुझा होगा, ये भी रूट दो गुणा बुझा होगा और ये भी रूट दो गुणा बुझा होगा। एक बात बताओ मुझे कि ये वैल्यू रूट दो गुणा बुझा है, समझना, अगर ये रूट दो गुणा बुझा है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? तो क्षेत्रफल कहेंगे रूट दो गुणा बुझा का होल स्क्वायर। एम आई राइट? क्योंकि बुझा का मान ये है और हमें पता है कि इसका स्क्वायर होता है, इसका मतलब जितनी बुझा होता है उसका स्क्वायर, तो वास्तव में हो गया हमारे पास दो गुणा बुझा स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है? विकिरण का क्षेत्र, विकिरण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। विकिरण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल होता है दो गुणा बुझा स्क्वायर। तो एक बात आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि वास्तव में क्षेत्रफल क्या होता है, बुझा स्क्वायर, और विकिरण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, दो गुणा बुझा स्क्वायर। इसका मतलब इसके क्षेत्रफल का ये दो गुणा होता है। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट आप एक निकालना चाहें कि वर्ग का विकिरण दिया गया हो, विकिरण दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल, विकिरण दिया गया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकिरण का स्क्वायर और भाग किसका दे देंगे हम, दो का, विकिरण का स्क्वायर बटा दो। समझ में आ गया? अब चलते हैं और भी आगे, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखो, अब देखिए थोड़ा सा आगे, इस क्षेत्रमिति में स्क्वायर को लेकर वर्ग को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं। मैं आपको उन सवालों की ओर लिख के जाने वाला हूं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थ्योरी हमने बेसिक पढ़े हैं, अब इसके आगे चलने वाले हैं। ध्यान रहे बेटा, हम अपनी एग्जाम को तभी क्रैक कर पाएंगे जब हम बेसिक को भी फोकस में रखेंगे, हमारे क्वेश्चनों को भी फोकस रखेंगे और क्वेश्चनों के साथ साथ ट्रिक पे भी हमारा ध्यान रहेगा। अब देखिए, हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, बहुत सारे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल लिख देता हूँ, बच्चों का सवाल है, बिल्कुल बच्चे, छोटे वाले बच्चे कर देंगे, नर्सरी क्लास का बच्चा कर देगा इसको। अब आप कहेंगे सर आजकल वाले नहीं करते, पहले मैं तो कर दिया करता था जब नर्सरी में था। जैसे ये वाली जो बुझा है ये हमें दे दी जाए 20, सही है, और ये वाली बुझा है ये दे दी जाए हमें 10, कुछ भी दे दिया जाए। आपको ये कह दे कि इसके चारों ओर ये बना हुआ जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो, कैसे करोगे? यस, वेरी गुड, अभी आपने बताया ऐसे ही करेंगे कि ये जो रास्ते का क्षेत्रफल है ना, रास्ते का क्षेत्रफल, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा 20 का स्क्वायर, माइनस करना होगा 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 400 माइनस हो गया 100, बराबर आ गया कितना, 300। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका मात्रक वर्ग स्क्वायर होता है। क्लियर? एक और खूबसूरत सवाल एग्जाम में ये सवाल पूछ ले कि ये एक वर्ग है या वर्गाकार खेत है, इस खेत के बीचों बीच एक रास्ता बना हुआ है, इसकी भुजा की लंबाई 25 है, रास्ता 5 मीटर चौड़ा बना हुआ है और ये 25 है, इधर भी ये 5 ही मीटर चौड़ा है, इसका मतलब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब आप लोगों से पूछा कि भाई साहब इसका जवाब बताओ, तो आपका यही कहना होगा कि सर रास्ता इस तरफ है ये, फिर आपका कहना हो गया कि रास्ता इस तरफ भी है, इसका मतलब रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर इधर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, तो ये एक आयत बन गई देख लो, यानी लंबाई कितनी है इसकी 25, चौड़ाई कितनी है 5, तो आप कहेंगे सर 25 गुणा 5 125, ये इधर वाला जितना रास्ता है उतना का उतना इधर है, गुणा 2 250,
क्या दोनों रास्तों का क्षेत्रफल आ गया, इधर वाले का और इधर वाले का। एक चौराया ऐसा है जब इधर गए तब भी उधर से गुजरे थे, इधर गए तब भी गुजरे थे। चौराया याद करो, बचपन में देखा होगा, ठीकरी लगती थी उसमें। ये जो मान है ये दो बार काउंट हो गया, जिसकी चौड़ाई कितनी थी 5, लंबाई भी कितनी थी 5। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 × 5 = 25। 250 में से 25 अगर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 225, और यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। ये बिल्कुल बेसिक सवाल थे, अब आओ अच्छे सवालों की ओर। एक एग्जाम में हमारे पास सवाल आ जाए कि एक वर्ग है ये एक वर्ग, फिर इस वर्ग में हमें दे दिया ये ए बी सी और डी, इसको हमने केंद्र मान के एक वृत्त खींच दिया यहां से, ये केंद्र और यहां से खींच दिया इस तरफ एक वृत्त, फिर एक को केंद्र मान के एक वृत्त यहां खींच दिया, समझ में है? इसके बाद में ये जो मान है इसका क्षेत्रफल बताओ, ये हमें पूछ लिया कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इसका क्षेत्रफल होता है 4/7 a² 4/7 a², ये तो एक ट्रिक है। अब ये 4/7 a² आया कहां से, इसकी जानकारी हम लेते हैं। 2 मिनट लेना चाहूंगा, आप सामने ध्यान देना। वैसे ज्ञात करना चाहो तो इसका कोई भी मान अगर हमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालना है तो 4/7 और 14 का स्क्वायर 14 × 14, ये दो बार, और इसका मतलब 8 × 14 = 112 cm². ये तो रही ट्रिक की बात। अब ये ट्रिक आई कहां से, बनी कैसे, ये बात हम करते हैं। यहां हमारा ज्यादा वर्चस्व होना चाहिए कि हम सवाल को सीख पाए। देखो, एक बात आप बताओ मुझे कि अगर ये इधर आप देख रहे हैं ये वाला, तो क्या मैं यहां से ये पूरा वर्त खींच दूं ऐसे, तो क्या ये इस वर्त का केंद्र है और ये वर्त का केंद्र है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्टर त्रिज्यखंड। अगर ये त्रिज्यखंड है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे πr² θ/360। थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 90। आर का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 14, तो 14 का स्क्वायर। यस और नो? आप यहां से करेंगे ये 4 बार और इसका मान हो जाएगा 22/7 × 14 × 14 और भाग किसका दे देंगे हम 4 का, और आगे हल करने पर 7 और 7 और ये कैंसिल हो गया, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और ये हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी था। ये 154 किसका क्षेत्रफल हो गया, तो आप कहेंगे सर 154 हुआ है हमारे इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल है ये कितना हुआ है, 154। क्लियर? लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब यहां से मैं एक सीधी लाइन खींच देता हूं, तो देखिए ये मैंने यहां पर लाइन खींच दी, ये जो लेते हैं ये विकिरण हो गया और इसका क्षेत्रफल यानी त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल 2। वर्ग के क्षेत्रफल का आधा करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 का स्क्वायर 2। अब हमें यहां से लेना है तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196/2 यानी 98 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे क्षेत्रफल में से यहां तक का जो क्षेत्रफल है ये वाला,
अगर मैं इसे माइनस कर दूंगा तो यही बचेगा, मतलब अगर मैं इसके क्षेत्रफल को माइनस कर दूं इसके क्षेत्रफल तो हमारे पास ये बच जाए। तो आप कहेंगे यस सर, पूरे का क्षेत्रफल कितना आया था? तो आप कहेंगे सर पूरे का क्षेत्रफल तो 154 आया था। अच्छा वो जो इधर त्रिभुज था उसका कितना आया? तो आप कहेंगे सर 98। 154 माइनस 98 कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 56। ये 56 इस भाग का क्षेत्रफल है कि नहीं है? क्लियर? अगर ये 56 इस भाग का क्षेत्रफल है तो क्या जितना इस तरफ था उतना ही इस तरफ था क्या? तो इस पूरे का क्षेत्रफल हो गया 56 × 2 = 112। तो ये पूरा थ्योरिटिकल है और ये आपके पास ट्रिक है, दोनों में जो अच्छा लगे वो यूज करना। मेरा कहना ये है कि बेटा पहले ये चीज सीखना और उसके बाद में आप यहां पर आना। समझ में आ गया? फिर चलते हैं एक और खूबसूरत से सवाल के ऊपर। उस खूबसूरत सवाल को देखिए, ये मिटा देता हूं। खूबसूरत सवाल हमारे एग्जाम में ऐसे आ जाए कि एक वर्ग है, ये वर्ग है, इस वर्ग में ऐसे दे दिया हमें और फिर हमें ये कह रहा है कि ये जो शेष बच गया छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी जो भुजा है ना ये वाली, ये आपको दे दी 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये क्षेत्रफल हमसे पूछ लिया तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें हम ये देखें कि ये 14 सेंटीमीटर है और इसमें अर्धवृत्त है? ये 14 सेंटीमीटर है और अर्धवृत्त है, 14 सेंटीमीटर अर्धवृत्त अर्धवृत्त, यानी हम इन दोनों को जोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो जाएगा 7 × 7 और 22 × 7 = 154। ये 154 हो गया हमारे इन दोनों का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल अपन बात दूसरी करना चाहें कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर 14² = 196 −154 =, तो ये करेंगे 2, ये हो जाएगा 4 और ये 42 हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आप एक बात बताओ, ये 14 था 196 वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और इन दोनों को अर्धवर्त अर्धवर्त पूरा वर्त बना लिया, मतलब 154 हो गया। 196 में से 154 माइनस कर दिया तो हमारे पास आया है 42। ये क्या है 42? तो आप कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में एक ऐसा सवाल भी हमने देखा था ऐसे, और इस सवाल की बात की थी तब तो उसमें ऐसे बताया था कि भाई साहब ये वर्ग है और इसमें इस प्रकार से हमने वर्त बने हुए देखे थे और ऐसे, और उसके अंदर से हमने पूछा था कि ये जो छायांकित भाग है ये जो छायांकित भाग है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो 2 नंबर वीडियो जरूर देखना, उसमें इसका आधार मिलेगा, और अभी आप देख रहे हैं तो इसको भी हल करके बताना, और इसकी ये जो है ना इसको 28 करता हूँ, कमेंट में बताना देखिए इसका उत्तर क्या लिखोगे आप। क्लियर है? अब आओ थोड़ा सा और आगे, मतलब खूबसूरत सवाल हम लेकर चलने वाले हैं आगे। एक सवाल मान लो ऐसा आ जाए, जैसे ये ये ए है, ये बी है और ये ओ है। क्लियर है? यहां हमें ऐसे खींच दे कि यहां से लिख एक रेखा खींच दे, एक यहां से ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और ये जो है एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े काट दिए इसमें से, ये,
अब आपको ये पूछा है कि बताओ इस सवाल में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बोलो बेटा, कमेंट के लिए छोड़ के चला दूं या फिर अभी बता दूं? बताई देता हूं, कई बार ऐसे हो जाता है कि अगला वीडियो हम देख नहीं पाते और सवाल रह जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा जो है, या ऐसे कर देता हूं, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है और इसको 2-2 सेंटीमीटर काट दिया ऐसे, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर वाला आप खुद कर लो। आप मुझे ये बताओ, क्या इसका आधा रहेगा? ये क्या यहां से ऐसे रहेगा? ये तो आप कहेंगे सर ये पूरा 2 था तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर हो गया, और इसको आप आराम से देख लो, क्या एक ऐसी, इसको मैं यहां से यहां लेके आ जाता हूं, क्या आपके सामने ऐसी आकृति दिखाई दे रही है क्या? यह है और यह दे रही है दिखाई। अगर यह दिखाई दे रही है तो आप ये समझ भी गए होंगे थोड़ी देर पहले कि इस प्रकार का क्षेत्रफल 4/7 a² होता है, और इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 4/7 × 1² यानी क्या हो जाएगा, 4/7 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? फिर चलते हैं एक और खूबसूरत सवाल के ऊपर, वो भी आपके लिए देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीर आइए एक खूबसूरत सवाल की ओर। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल हम यहाँ बनाने वाले हैं। मान लो हमें एक वर्ग दे दे, ये एक वर्ग दे दिया जिसमें ए है, बी है, सी है और डी है। इस सी को केंद्र मान के एक वर्त यहाँ खींचते, फिर डी को केंद्र मान के एक वर्त यहाँ खींचते। ये दो वर्त खींच देने के बाद में हमें यहाँ से एक वर्त यहां बना दे, एक वर्त हमें यहां बना दे, इन दोनों को मिलाते हुए यहां, और इसके बाद में हमें एक वर्त बना दे इस जगह पे, यहां पे। और यहां पूछ ले कि भाई इसकी आर, इसकी आर वन और इसकी आर टू ज्ञात करो, मतलब आर आर वन और आर टू ज्ञात करो, और कुछ भी नहीं दे, हमें ये कह दे कि इसकी जो वैल्यू है ना वो ए है। देखने पर सवाल इतना बड़ा लगता है कि सर हमें कोई भी आधार नहीं दिया गया, हम इनके आर वन आर कैसे ज्ञात करें? अगर आप ट्रिकों पे चलना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो आर होती है वो होती है a/6। इसकी जो आर होती है, जितनी भी आपको बुझा देता है उसका छठवां भाग इसकी आर होती है। अगर आप सॉरी 60 इसके अगर चाहिए तो ये होती है a/6, और अगर इसकी आर टू वाली ज्ञात करना है तो 3/8a। ये आप तीनों पार्ट ज्ञात कर सकते हैं, ये होता है a/16, ये होता है a/6 और ये होता है 3/8a। क्लियर? अब आया कैसे ये तीनों बात, ये तीनों मैं बताता हूं। इन दोनों की अगर आप बता सके तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसको मैं अभी बताता हूं और इनको दोनों को हम अगले वीडियो में भी देखेंगे। देखो बहुत खूबसूरत बात यहां बताने वाला हूं। ये वर्ग हमें दिया था यू, उसके बाद में ये दो वर्त एक दूसरे को यहां से केंद्र मानते हुए काटे थे, और यहां पर एक वर्त बना दिया था। इस वर्त की हमें पूछी है कि भाई आर ज्ञात करो। तो अब देखना, अगर ये आर ज्ञात करनी है तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। अगर आपने कभी वर्त से संबंधित बात देखी है तो, कि ये कोई भी दो वर्त हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ये इनकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा इसकी लंबाई हमेशा अगर ज्ञात करना चाहो तो 2√r1r2 होती है। समझ में? इसकी जो लंबाई होती है ना 2√r1r2 होती है। तो यहां से मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि क्या मैं यहां पर एक वर्त बना लूं ऐसे? आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये वर्त बना दिया यहां से ये पूरा और ये वर्त बना दिया तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ये तो ए है, इसकी आर है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2√r a।
समझ में आ गया। ऐसे ही क्या मैं इस तरफ भी एक वर्त बना सकता हूं यहां से? अगर मैंने यहां वर्त बना दिया तो ये वर्त और ये वर्त भी स्पर्श कर रहे हैं आपस में, इसका मतलब इसकी लंबाई क्या होगी? तो टू रूट आर ए। अब ये है टू रूट आर ए और ये है टू रूट आर ए, मतलब ये पूरी लंबाई क्या है? तो आप कहेंगे सर पूरी लंबाई है हमारे पास ए। अगर पूरी लंबाई हमारे पास ए है और आपको ए का मान ज्ञात करना है तो आप कहने वाले हैं कि ए बराबर टू रूट आर ए प्लस टू रूट आर ए। तो ये हो जाएगा ए बराबर फोर रूट आर ए। क्लियर? अगर दोनों तरफ स्क्वायर हम करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 16 आर ए। इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से आर बराबर हो जाएगा ए अपॉन 16 और यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ वाला वर्त, ये वाला वर्त है उसकी जो आर है वो, ये वाला वर्त है उसकी जो आर है वो, ये दोनों अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, जहाँ भी आपको लगे शेयर करनी चाहिए वहाँ शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अपनी इस मैथमेटिक्स को बड़े इन्जॉय के साथ पढ़ते जाइए। आपके भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।